तो कर चुके थे, क्या कर चुके थे हम कि भाई कौन सा ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, कौन पैरा डायरेक्टिंग है, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका था, या सुनो। और मैं ये बता चुका था भाई बेंजीन है ना, जो बेंजीन है वो देगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक या फिर एरोमेटिसिटी टूटना यानी कि एडिशन रिएक्शन भी दे सकती है। समझ में आ रहा है? एडिशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और तो खैर क्या सोचे अपन, यस और नो? तो मैं आप ही के साथ हूँ। अगला पॉइंट ये लेते हुए कि हम कैसे बेंजीन को देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसने अपने आप में बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पहली बार सिखाया। उसने कहा भाई ये आपके पास बेंजीन है, मैंने कहा हाँ मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाँ अगर इसके ऊपर सीएससी प्लस आ जाए, तो मैंने कहा सीएससी प्लस आएगा कहाँ से, उसने कह दिया सीएससी सीएल से, मैंने कहा सीएससी सीएल में से सीएससी प्लस तभी बनेगा जब सीएल माइनस को कोई ले, उसने कहा हाँ बिल्कुल, तो एल सीएल थ्री के बगैर सीएससी प्लस बनेगा नहीं, एल सीएल थ्री क्या करेगा आप समझो बात को, सीएससी प्लस बनाएगा और सीएल माइनस को खुद रख लेगा क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, पक्का? तो क्या बन जाएगा, एल सीएल फोर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये सी अटैक करेगा, हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, तो ओवरऑल आपके पास क्या हो जाएगी, एल्काइलेशन हो गई, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइलेशन। मैंने कहा यार ये तो बहुत सही है, यानी कार्बोकेटाइन मिलेगा, हो जाएगा, उसने कहा हाँ। मैंने कहा ये कार्बोकेटाइन नहीं होगा तो फिर रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपांड, जो भी रिंग रीअरेंजमेंट हो सकता है, हाँ रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में क्यों नहीं होगा, होगा, मतलब अगर गलती से आपने ये वाला ले लिया तो पहले कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला, जो कि कैसे चेंज हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला जब बेंजीन पे रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह का, जबकि बच्चे क्या बना रहे होंगे इससे, ये वाला, तो ये वाला बनेगा लेकिन माइनर, मेजर कौन सा हो जाएगा, ये बोलो या सुनो। तो बेंजीन में जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, रीअरेंजमेंट का, और बाकी तो आप सब कर लोगे, रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो भी खास तौर पे कब, जब आप एल्काइलेशंस कर रहे हो, ठीक है। तो अचानक अमन ने कह दिया सर हम तो कार्बोकेटायन और भी तरह से बना सकते हैं, मैंने कहा कैसे, उसने कहा सर आप ही ने तो बताया था ये एल्कीन है, हाँ इसमें अगर HCl या कोई भी एसिड डाल दिया जाए स्ट्रॉन्ग H प्लस, तो H प्लस इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा, और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा तो खत्म, बेंजीन पे अटैक करेगा, तो ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, वो सारी रिएक्शन नहीं कर सकता है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, हमने कार्बोकेटायन की जितनी भी रिएक्शन बनी है उसमें अगर बेंजीन डाल दी जाए तो खत्म, कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो क्या अब AlCl3 की जरूरत है, नहीं, एसिडिक मीडियम में तो वैसे ही बन जाता है, तो एल्काइल हैलाइड मिला मिलाया तो क्या चाहिए रहेगा आपको, एल्काइल हैलाइड मिलाया तो क्या चाहिए, AlCl3, और एल्कीन है तो एच प्लस, सो इजी, ठीक है। तो अचानक यश ने कह दिया, अब यश भी कहां चुप रहेगा, उसने कहा सर एसाइल हैलाइड ले लिया जाए तो क्या होगा, तो भी कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या चाहिए रहेगा, AlCl3, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, और जब बेंजीन में मिलाया जाएगा इसको तो एसाइलेशन हो जाएगा, यानी कि सी डबल बोन ओ CH3, पक्का? उसके बाद आप चाहो तो इसको वुल किशनर रिडक्शन कर सकते हो, क्लिमेंसन रिडक्शन करके गायब कर सकते हो, सही है, लेकिन वापस अगर आपको एल्काइली लाना है तो ठीक है ना, तो गायब कर सकते हो, लेकिन अभी तो फिलहाल एसाइल हैलाइड ये बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने कहा सर हम अलग तरह से एसाइलेशन कर सकते हैं, क्यों भाई, हमारे आरती भी चुपचाप नहीं रहने वाली थी, उसने कहा सर मैं तो एसिड एनहाइड्राइड ले लेती हूँ, ठीक है एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, ये एसिड एनहाइड्राइड ले लिया और मैंने एसिडिक मीडियम रख दिया, सही है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, अब एच प्लस आएगा अटैक करेगा, क्या बनेगा इंटरमीडिएट, क्योंकि वो तो वहीं अटैक करेगा जहां उसे लोन पेयर मिल रहा है,
तो उसे यहां मिल रहा है, बहुत आसानी से देगा औरों के कंपेयर में, ये प्लस बन गया। अब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास क्या रहेगा, एक तरह से सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला पूरा बॉन्ड टूट गया प्लस, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कार्बोकेटायन तो बन गया, लेकिन कार्बोकेटायन कौन सा वाला बना है, एसाइल, तो एसाइलेशन हो जाएगा, बेंजीन में लगाया तो क्या बन जाएगा, जो काम ये हो रहा था वही हो गया। तो मतलब एसिड डेरिवेटिव से भी आप ये चीज ला सकते हो, ला सकते हो या नहीं ला सकते, ला सकते हो। अब एसाइल हैलाइड ले लो, आप चाहो तो एसिड एस्टर ले लो तो भी यही बनेगा, क्यों, एस्टर लेंगे तभी एसाइल कार्बोकेटाइन बनेगा और वो सीधा क्या रहेगा ये। तो एसिड डेरिवेटिव्स लेके आप एच प्लस ले लेना, एसाइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड लोगे तो AlCl3 ले लेना, बोलो यस और नो, और ऐसे कर देना, फ्रेडल क्राफ्ट खत्म। किसी ने कहा सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि इंट्रा हो जाए, मैंने कहा कैसे, इंट्रा का भी देखा जा सकता है, जैसे ऑलरेडी ये जुड़ा हुआ हो, कैसे, ये OH हो और मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो और फिर H प्लस मिला दे, मैंने कहा क्यों नहीं होगा, ये H इधर आएगा, H2O निकल जाएगा, H इधर चला जाएगा, तो ये इंट्रा भी हो सकता है, जब इंटर हो सकता है तो इंट्रा तो होते ही है सब, समझ में आ रहा है, बना ये इधर आया कार्बोकेटाइन यहां बना तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन गया, ये कार्बन ये कार्बन, फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो, क्या दिक्कत है, बोलो यस और नो, कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, इस कार्बोकेटाइन की इसके बॉन्डिंग कर दोगे आप, यस और नो। तो मुझे नहीं लगता कि फ्रिडल क्राफ्ट में आपको कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम आएगी, बस आपको कार्बोकेटाइन बनाना आना चाहिए और बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा, और कार्बोकेटाइन बनाना बहुत आसान है, एल्काइल में Cl हटाओ वहीं लगा दो, एसाइल हैलाइड में Cl हटाओ वहीं लगा दो, और एसिड डेरिवेटिव से एसिड एनहाइड्राइड एसिड एस्टर वहां पर जहां से ऑक्सीजन तोड़ोगे जिस कार्बन पे वहां लगा दो, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट कर लो और अटैच करते चले जाओ, कौन मना करेगा आपको, ठीक है। मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल करा देता हूँ, इजी तो हो ही गए जो आपको होने चाहिए, तो लिख लो जल्दी से, ध्यान से सुनना, हमने फ्रेडल क्राफ्ट लिखा, लेकिन अब एक बार फ्रेडल क्राफ्ट भैया क्या कहना चाहते हैं शुरू से समझते हैं अपन। पहला फ्रेडल क्राफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज आप लिखते जाओ, क्या लिखेंगे आप, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी फर्स्ट, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ ESR, ESR, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ESR, सही है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ESR। सेकेंड पॉइंट, इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज R प्लस और आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, ठीक है, R प्लस गिव्स एल्काइलेशंस और आर सी डबल ओ प्लस गिव्स एसाइलेशंस, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। नेक्स्ट, हमें R प्लस मिलेगा कहां से, मैं बताऊं R प्लस हमें कैसे मिलेगा, ये बात तो हमें करना ही पड़ेगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, पहला मुझे एक मिलेगा यहां से AlCl3, ठीक है, RCl प्लस मेरे को और कहां से मिलेगा, एल्कीन से, एल्कीन से मैं कैसे लूंगा, एल्कीन से अगर बात करी जाए सिर्फ एल्कीन की तो एच प्लस मिल जाएगा, या सुनो और कैसे मिलेगा मुझे, ओ एच, एल्कोहल ले लिया जाए
अल्कोहल भी क्या करेगा, H प्लस यहां जाएगा, हटा देगा H टू, और क्या मिलेगा आपको, दो कार्बन सी एच थ्री सी एच टू प्लस। बोलो यस और नो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, चमक गई बात। और कैसे मिलेगा आपको एल्काइल हैलाइड, एल्कीन, एल्कोहल, ठीक है। ऐसे डेरिवेटिव्स ले लो आप, ऐसे डेरिवेटिव से तो आपको एसाइलेशन देखने को मिल जाएगा। तो मेन तो आपका ये तीनों तरह से आपने कर लिया, यस। अब एसाइलेशन देखते हैं कैसे मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ए एल सी एल थ्री से अपने आप ही मिल जाएगा आर सी, क्या मिल जाएगा इस जगह आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस मिलेगा। ऐसे भी मिल सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, आप चाहो तो ए एल सी एल थ्री ले लो या फिर एच प्लस ले लो, दोनों से मिल जाएगा आपको, मिलना यही है, ठीक है। दोनों में कुछ भी लिखा जाए चल जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एच प्लस ले लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, एच प्लस ले लो, मिल ही जाएगा एल्काइल। तो कहीं ना कहीं से भी आपको मिले, आप मना मत करना, कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में। तो ये सारे आपके पास क्या दे सकते हैं, एसाइलेशंस, और ये सब जब भी दिखे आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस एल्काइलेशंस। तो कौन नहीं देंगे, ये भी कई बार दिक्कत हो जाती है, कौन नहीं देंगे कार्बोकेटायन। तो एक सेकंड के लिए सोचो, क्या साइक्लोहेक्सेनॉल दे सकता है, हाँ ये तो दे देगा, लेकिन अगर यहां पर फिनोल कर दूं मैं और एच प्लस लगा दूं मैं, तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, क्योंकि विनाइल कार्बोकेटाइन इज नॉट एग्जिस्ट, ये नॉट स्टेबल, आ गया विनाइल है ना वो पोजीशन, विनाइल कैसे देखते हो आप, ये वाला पोजीशन विनाइल हो गई, होगा कहीं ना कहीं तो, और वो हाईली अनस्टेबल है, तो ये तो नहीं मिल रहा, ये नहीं देगा, समझ में आ रही है गणित। तो इसका मतलब फिर तो ये भी नहीं देगा, क्योंकि यहां पर भी क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अगर यहां से भी आप बनाओगे और दूसरा बनने वाली स्पीशीज भी अनस्टेबल है, तो नॉट पॉसिबल। तो आप एल्काइलेशन कर सकते हो, एरोमेटिसिटीज यानी फिनाइलेशन नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते, फिनाइलेशन इस जगह डायरेक्ट, कुछ समझ में आई मेरी गणित, हाँ। क्या ये हो सकता है, आप ही बताइए, क्योंकि यहां पर जो कार्बोकेटायन बनेगा सी एच टू वो तो स्टेबल है, तो पॉसिबल हो गया ये तो, सही है पक्का। ये कौन सा ग्रुप है, बेंजाइल कार्बोकेटायन, और वो कौन सा हो जाता है, फिनाइल, अंतर है, आप उसको बेंजाइल नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलोगे, फिनाइल या फिर एराइल, दो नाम है उसके, और इसको क्या बोलोगे आप, बेंजाइल। तो बेंजाइलेशन पॉसिबल है, आ गई बात समझ में, कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो मैं 100 एग्जांपल कर रहा हूं, 200 कर रहा हूं, बाएं हाथ में कर जाओगे आप। इंट्रा भी पॉसिबल है, अगला पॉइंट। तो ये तीन, ये चार और ये पांच और छह, इंट्रा कैसे पॉसिबल है समझना, इंट्रा कैसे पॉसिबल है, क्या डबल भी पॉसिबल है, हाँ इंट्रा भी पॉसिबल है। इंट्रा ऐसे पॉसिबल है कि ये आपके पास इस तरह का है और ये सीएल है, तो ये सीएल जैसे ही आपने एल सी एल थ्री में डाला तो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा आपको, एक दो डबल बॉन्ड ओ, दूसरे पे ऑक्सीजन है और तीसरे पे ये सीएल यहां है, अगर उसके अकॉर्डिंग बनेगा,
बोलो यस और नो। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता तो और ज्यादा स्टेबल होती रिंग। फोर मेंबर कम है लेकिन ठीक है, बना अगर है तो फिर हम यही बनाएंगे, और तो कुछ होगा नहीं इसके अलावा। बोलो यस, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो क्या इंट्रा पॉसिबल था? हाँ इंट्रा। क्या डबल पॉसिबल है? डबल का मतलब दो बार डबल फ्रेडल का रिएक्शंस क्यों नहीं पॉसिबल है? जैसे ये आपके पास ऑक्सी ओ एच है और ये भी ओ एच है, दे देंगे दोनों तरफ से, इनको ज्वाइन कर दो। सही है? और अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? यहां पर कार्बोकेटायन, यहां कार्बोकेटायन, तो एक तरह से एक दो तीन चार ये बन जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छा बन गया। तो क्या दोनों नहीं कर सकते ज्वाइन? सीधा चिपका दो, दो कार्बोकेटायन बना के दोनों। वहां पर ओ एच है तो आपको क्या चाहिए? एच प्लस। और सी एल होता तो ए एल सी एल थ्री ले लेते हम। या सुनो, तो पहले ये कर जाता फिर ये कर जाता। तो अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने क्या लिख दिया? की पॉइंट्स। तो फिर मैं बोल रहा हूं, यहां तक आप लिख चुके हो क्या? ये लिख चुके हो आप? हमें क्या देखना है? कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? एसाइल कार्बोकेटायन कैसे बनेगा? फिर कौन देंगे कौन नहीं देंगे, हेडिंग डालेंगे इनके टॉपिक के भी, और लास्ट में इंट्रा फ्रिडल ग्राफ रिएक्शन और लास्ट में डबल फ्रिडल ग्राफ रिएक्शन। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सही है। एक और तरह से बन सकता था, अल्कोहल तो बना ही सकता था, ये भी बना सकता है एपॉक्सी एल्केन, या तो ये यहां ले लो। तो इसका अलग केस बना के H प्लस जैसे ही लोगे, ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इधर जाएगा H प्लस, इधर अटैक कर दे। आ गई बात समझ में? तो कार्बोकेटायन पता है मेरे को कहाँ दिख रहा है? ओ एच, तो ये बन ही गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आप देख लीजिएगा कहाँ कार्बोकेटायन दिख रहा है आपको, दूसरे पे दिख रहा है, तो जहां पर भी दिखे आप वैसे अटैच कर सकते हैं। तो इपॉक्सी एल्केन में भी हमारे को इस तरह का कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा। यस और नो? सही है। आप इसको ऐसे मत देखें कि ये डायरेक्ट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकेगा। कैसे लिखें इसको जल्दी से? इस वाले केस को तो लिखें आप। तो मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में समझा देता हूं कि मैं कैसे सोच रहा हूं इसको अलग तरह से, फिर लिख के हम फ्री करेंगे। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो, ये आपके पास सबसे पहले एपॉक्सी है, वो जाने दो। एच प्लस ने अटैक करा, कॉम्प्लेक्स इस तरह से बना लो, ओ एच और प्लस यहां पर है, प्लस आ गया। अब क्या होगा? बेंजीन रिंग इसका इंतजार कर रही है बहुत देर से, और जैसे ही आ जाएगा तो वही गाना, मेरा पिया घर आया, और ये कार्बोकेटायन है अटैक करेगा कहीं पे भी, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? और एच निकाल देगा एच प्लस की फॉर्म में। तो जैसे ही यहां पर एच प्लस इसका ये निकल जाएगा और ये अटैच हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और दूसरे कार्बन पे OH। सही है? पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पे OH। तो जब दूसरे कार्बन पे OH बन ही रहा है, तो क्या ये दोबारा H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा? तीन कार्बन की रिंग बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, बड़ी होती तो बात अलग होती, तो यहां तक ही बना के छोड़ दो आप। अब H प्लस आएगा तो भी क्या इतनी छोटी रिंग बन पाएगी? नहीं। हाँ साइड प्रोडक्ट कुछ और बन सकते हैं, किसी और के साथ कर लेगा, एक और बेंजीन रिंग पकड़ लेगा पास वाली, ये काम कर सकता है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन में ये दिया है ये बन जाएगा, और ज्यादा दिया हुआ है तो यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, एक और बेंजीन रिंग अगर अटैक हो गई, बेंजीन एक्सेस में रखी हुई है, तो
ये वाला बन जाएगा, दो कार्बन बीच में, ये बन जाएगा, मैं मना नहीं करूंगा इसमें भी, ठीक है पक्का। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन पे भी नजर देनी है, और सब्जेक्टिव तो देना नहीं है, सब्जेक्टिव होता तो मैं यहीं तक छोड़ देता, कह देता ये बनना है बस, ठीक है, डिपेंड ऑन कंडीशंस। लिखो तो कुछ पॉइंट्स जो हम लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसमें नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट हमारे हो गए थे, सिक्स है ना, तो सेवेंथ ये रहेगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, सेवेंथ में रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन इज पॉसिबल, ऑफ केटायन इज पॉसिबल। तो कैसे केटायन का रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, आप सोचो आपके पास ये एल्काइल हैलाइड है, है तो है, समझ में आ रहा है, तो जैसे ही आपने AlCl3 लिया तो आपका कार्बोकेटायन पहले कौन सा बनेगा, ये वाला, फिर 1-2 शिफ्टिंग होगी, कार्बोकेटायन कहाँ आएगा, ये, और जब ये अटैच हो जाएगा कार्बोकेटायन, ऑब्वियसली यहाँ का जो H है वो वहां जाएगा और कार्बोकेटायन यहाँ आएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, टिंग टिंग, तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको, जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे एक बार, यस और नो। और अगर यहां पर सोचना, एक मिनट, अगर यहां पर ट्रिपल ऐसे होता तो यहां पर कुछ इस तरह का दिखता है, ये भी CH3 होता, फिर ये CH3 ग्रुप इधर जाता और ये CH3 ग्रुप इधर जाता, तो आप, आपके पास जिस पे अटैच हो रहा है उस पे दो और उसके बाद एक दो, ये बनता, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ, बिल्कुल सही है। बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं रीअरेंजमेंट में, जितना बल्कि ग्रुप है रीअरेंजमेंट में उतना ही ज्यादा ट्रांसफर होने की जरूरत होती है, जैसे सबसे पहले तो होता है बल्कि से भी नहीं, सबसे ज्यादा होता है ट्रांजिशन में H, फिर PH फिनाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, क्या बात है, आपको तो सब याद है, वायर CH3, मतलब आपको हर चीज याद है, एग्जामिनर क्या करेगा, परेशान करेगा, कुछ और तो करता नहीं है, परेशान करेगा, और ये ले लिया और ये CL ले लिया, आ रही है बात समझ में। अब देखो इसके नखरे, AlCl3 जैसे ही डालोगे सबसे पहले कौन सा होगा, प्लस यहां आएगा, इस कार्बन में जाने के लिए इसके पास तीन है, क्या है, तीन ग्रुप है, एक ये, एक ये, एक ये, ए बी सी तो सेम है, ए पहले ट्रांसफर होगा या बी, ए, क्या बात है, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री है, 2 डिग्री होता तो भी वही होता प्रायोरिटी, तो ये पूरा का पूरा इधर भेज दो, तो अब क्या बचा, इस ये मैंने ये वाला बनाया, ये बनाया, पूरा का पूरा उठा के इधर लिया, तो ये यहां पर है, ठीक है ना, इस कार्बन पे, ये वाले पे कौन सा जुड़ेगा, दो और जुड़ जाएंगे, क्या बात है, आ गई बात समझ में, और कार्बोकेटायन कहाँ आएगा, यहाँ, बस ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं यार, बच्चे तो बच्चे ही होंगे ना, और क्या होंगे, वो इसको उठा के यहाँ ला देंगे और कार्बोकेटायन यहाँ लगा के अटैच करेंगे, नहीं ये होगा, और फिर उसके बाद बेंजीन उसका इंतजार कर रही है, तो बेंजीन पे यहाँ से अटैच होगा, आप खुद सोचो कैसे बनेगा, आप अटैच कर दो, 1 2 3 4, एक मिनट, एक ऐसे, सही है ना, ये अटैच हुआ, फिर 1 फिर 2 फिर 3, हाँ जो भी है, बोलो यस और नो, तो क्या नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, थोड़ा एडवांस के लेवल का हो गया, डरने की क्या बात है, आ गई बात समझ, तो डरो मत, बस लिखो, तुम नहीं करना, तो आप वापिस आते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट को अच्छे से समझ लिया, अब देखो फ्रिडल क्राफ्ट ने भी क्या क्या कार्बोकेटायन बनाया, एक और चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस तरह से लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, वन
इंटीजर टाइप बना देते हैं इसको, ठीक है? आपको इंटीजर में बताना है, फिर वन टू ये रिएक्टेंट की तरह हो रहा। सही है। तो चलो अब आप मेरे साथ आंसर दो, क्या फिनोल देगा? देगा, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट को हटा देते हैं, शो फ्रेडल ग्राफ रिएक्शन, ज्यादा इजी रहेगा। क्या ये देगा? हाँ, क्योंकि देगा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को और बढ़ा देगा, ESR रिएक्शन को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। दोनों पे प्लस एम ग्रुप है ना, तो पहला पॉइंट ये प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेस फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, रेट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बस खत्म, बात को समझो आप। तो माइनस एम क्या करेगा? माइनस एम ग्रुप नॉट गिव्स, डायरेक्टली लिख दो, नॉट गिव्स फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इतना स्लो है कि नहीं देगा? क्या ये प्लस एम ग्रुप है? हाँ। क्या ये प्लस एम, इसमें तो है ही नहीं तो भी देगा ही। क्या ये माइनस एम है? माइनस एम है, माइनस एम है, नहीं देगा, ये देगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एनिलीन। भाई एनिलीन क्यों नहीं देता? एनिलीन की खास बात क्या है? एनिलीन इस तरह का कंपाउंड है कि उसके पास लोन पेयर है, और अति हर चीज की बुरी होती है, और नाइट्रोजन की लोन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है, समझना। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का है C2H5Cl और AlCl3 है, तो इससे पहले कि Cl दे, नाइट्रोजन दे देता है, इजी इसके कंपेयर में, तो ये दे देगा और ज्यादा आसानी से देगा। तो क्या बनेगा कंपाउंड, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? प्लस एच एच, और AlCl3 का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब बताओ, जो प्लस एम था वो क्या हो गया? माइनस हो गया, माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। अब देगा क्या? बोलो, नहीं देगा, इसलिए नहीं दे रहा, पक्का? तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और अति हर जगह बेकार है, इससे पहले ये दे वो दे देता है। अगर वहां नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होता तो कम होती, तो सीएल देता, लेकिन कुछ ज्यादा ही तेज है, तो तेजी की वजह से उसने दे दिया, इससे पहले ये देता उसने दे दिया, और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो आप क्या लिखोगे? अगर बोर्ड में एक नंबर का आ रहा है बोर्ड के लिए, ये तो आपके लिए हो गया, ड्यू टू, नहीं, इस तरह से लिख लीजिएगा, एनिलीन जनरेट ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद लुइस एसिड,
and due to formation of this complex compound aniline does not gives Friedel-Crafts reaction. अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहली लाइन, एनिलीन जनरेट ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद लुइस एसिड AlCl3, एंड दूसरी लाइन लिखेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एनिलीन डज नॉट शो Friedel-Crafts रिएक्शंस, और फिर उसके बाद ये लिखेंगे और स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस, ये भी वर्ड इन्वॉल्व करेंगे. तो अपनी लैंग्वेज में फटाफट लिखो, क्या ये देगा, नहीं, क्योंकि विनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल है. क्या ये देगा, नहीं, सी डबल ओ एच है, माइनस एम ग्रुप है. क्या ये देगा, हाँ, प्लस एम है, सही है. सी इधर जुड़ता तो नहीं होता, सी इधर जुड़ता तो नहीं होती बात. ये तो प्लस एम हो गया ना. देखो मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई ऐसा एटम जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है तो देगा, और डबल बॉन्ड है तो लेगा, और अगर डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है तो लोन पेयर डबल बॉन्ड का रोल ज्यादा होगा पाई बॉन्ड का, तो ओवरऑल वो क्या करेगा, लेगा. जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है तो क्या देगा ये, प्लस एम या माइनस एम. क्या बात है, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, अंदर तक कुछ है ही नहीं. हेडिंग डाल दो नाइट्रेशन, आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी, आनी भी चाहिए, कि सर ये अटैच होंगे इसमें जो दे रहे हैं, जैसे ये दे रहा है तो फिर एल्काइलेशन जहां पर भी होगा वो कहां होगा सबसे ज्यादा, ऑर्थो पे या पेरा पे या दोनों जगह, तो आंसर तो होगा दोनों जगह, लेकिन मेजर कौन सा होगा, पेरा. फिर आपसे पूछा जाए सर एल्काइल हैलाइड ज्यादा दे दिया जाए तो क्या होगा, पहले पेरा पे करा लो फिर ऑर्थो पे करा लो फिर इधर भी करा लो, दो दो ऑर्थो है ना पोजिशन, तो डिपेंड करता है, मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको फिर एल्काइल हैलाइड ज्यादा होते. ये मैं लिखा दूंगा अलग से, अभी लास्ट पॉइंट और फिर उसके बाद नाइट्रेशन लिखेंगे. टिंग टिंग टिंग. अच्छा अच्छा ठीक है, आज अभी क्या दिक्कत है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बता रहा हूँ, डाउन द ग्रुप जाने पे पड़ेगी, स्टेबिलिटी भी वही ज्यादा है. क्या पूछ पढ़ रहे हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी या स्टेबिलिटी, तो बाय डिफॉल्ट तो वही करेंगे जो आपने करा है, आरएस को ज्यादा देंगे. कहां पर, इनके नोट्स में है क्या ऐसा कुछ, आरएस की ज्यादा रहेगी, सही है, साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा, ये तो जनरल रूल है, बाकी ऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस होते, देर नहीं लगती है. अच्छा नाश्ते का, मेरे आज बहुत पनीर आया है, सुनना मेरी बात, पनीर की सब्जी भर के भेजी होगी मेरी वाइफ ने, ठीक है ना, रोटियां भेज दी है, तब अपन है ना, हाँ देख लेने देना यार, मैंने उसे कहा था फुल भेज देना. अरे यार ये तो है मटर पनीर,
कंजूसा ही करती है फिर भी। फुल भेजने का मतलब पता है क्या करा उसने, आधा डिब्बा भेजा है, छोले भी भेजे। क्या करें बताओ, मैगी बना लो, पास्ता बना लो, सूप पी लो, कड़ी कचौरी खा लो अच्छी वाली। नहीं, चलो डन रहा, अभी आता हूं मैं एक बार और देख लेते हैं। लिख लिया आप सबने? अरे यार आज हमारे वो क्या बच्चों के स्कूल में एक फंक्शन है, मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा। हो गया होगा 10 11 12 बजे तक है। बच्चों को बुलाया है, पेरेंट्स को बुलाया है, बच्चों के मतलब बच्चे पेरेंट्स के पेड़ वेर धोएंगे, इस तरह से पूजा वूजा करेंगे माता पिता की। आज क्या दिवस है क्या, कुछ क्या है आज? नहीं माता पेरेंट्स डे होगा, पेरेंट्स डे है क्या आज? तो इस तरह का दिन है, तो मैंने कहा यार पापा आपको आना पड़ेगा और नहा धो के अच्छे से आना, पेड़ धो के अच्छे से आना। मैंने कहा, फिर मैंने कहा नहीं यार मेरी वाइफ को भेज रहा हूँ, तो तुम भी अपने घर पे जाके अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेना आज, ओकेजनली तो ले लेना चाहिए। चलिए, तो आपने बहुत सारा अच्छे से पढ़ लिया, आपने ये चीज तो लिखी ली है एक तरह से इनडायरेक्टली। क्या लिखा है कि भाई क्या लिखा है कि जो माइनस एम ग्रुप है वो नहीं देंगे और प्लस एम देंगे, एक्सेप्ट दिस। और एक और चीज हम जो लिख रहे थे वो क्या था लास्ट पॉइंट, कि पोजीशन कहाँ होगी। ऑब्वियसली डायरेक्टिंग नेचर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने पहले ही दिन बता दिया था डायरेक्टिंग नेचर कहाँ होगी, ऑर्थो और पैरा पे। और पैरा पे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वहां पर रिपल्शन क्या है कम है, और अगर एक्सेस में ले लिया जाए तो धीरे धीरे ऑर्थो पे भी हो जाएगी और दोनों ऑर्थो पोजिशन पे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये कोई कंपाउंड है ओ एच है और आपने ले लिया सी एस सी सी एल, क्या ले लिया सी एस सी सी एल ए एल सी एल थ्री के साथ, तो आपके पास कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे? ओ एच यहां आ सकता है, ये आएगा, ये भी हो सकता है कि यहां आ जाए और यहां पर भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि यहां आ जाए यहां आ जाए यहां आ जाए यहां आ जाए, तो कुछ भी मिलेगा ठीक है। लेकिन अगर अपन मेजर की बात करें तो मेरे लिए मेजर शायद ये रहेगा क्योंकि स्टेरिक अटेंडेंस क्या है बहुत कम है, देन दिस। और ये भी बन सकते हैं मेजर, लेकिन इस बात पर डिपेंड करेंगे कि अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा, पॉली बार बार होना, मतलब पॉली मराइजेशन या कुछ भी बोल दीजिए आप, पॉलीमराइजेशन का मतलब बार बार होना ठीक है ना, बार बार एल्काइलेशन होना। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? अब बात आती है कि क्या हम कार्बो कैटायन के अलावा नाइट्रोजन पे कैटायन बना सकते हैं या ऑक्सीजन पे कैटायन बना सकते हैं या किसी पे बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? सल्फर पे कैटायन बना सकते हैं तो बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे ये चीजें मुझे सिखानी है आपको। तो हेडिंग डलेगा हमारे पास जल्दी से, और उस हेडिंग का नाम है नाइट्रेशन। क्या है नाइट्रेशन? आप समझना, ये आपके पास कंपाउंड है पक्का, आपने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो आपको क्या बनेगा, क्या मिलेगा? NO2 नाइट्रोबेंजीन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों समझते हैं? तो एक बार मैं HNO3 के ऊपर नजर डालता हूं, OH है, डबल बॉन्ड O है, O है समझना, और H प्लस दे रहा है H2SO4 क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जैसे ही देगा ये अटैक करेगा ये निकल जाएगा। हाँ मतलब कुल मिला के ये यहां आएगा, ये यहां अटैक हो गया तो H2 तो अलग हो गया और क्या बन जाएगा, NO2 प्लस, नाइट्रोजन पे प्लस है जो कि अपने आप बेंजीन पे रिएक्शन करके क्या देगा, नाइट्रोबेंजीन। ये H प्लस के
इसके लिए H2SO4 ज्यादा अच्छा है। क्या ये H प्लस दूसरे HNO3 से भी तो आ सकता था? आ सकता था। अगर आप H2SO4 नहीं लेते तो भी रिएक्शन यही होती, लेकिन थोड़ी स्लो होती, क्योंकि H2SO4 ज्यादा आसानी से दे सकता है। पक्का? तो H2SO4 यहां पर किसका काम कर रहा है? एक तरह से कैटलिस्ट का। तो H2SO4 कैटलिस्ट का काम करेगा। हीटिंग दे दोगे तो थोड़ी फास्ट ही होगी, क्योंकि क्योंकि जो पानी बना हुआ है वो उड़ता रहे, कंसंट्रेशन बनी रहे, तो हीटिंग तो कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा। H2SO4 कैटलिस्ट है। और अगर आपने सिर्फ H2SO4, अगली हेडिंग कर देगी, ये तो हो गया नाइट्रेशन, सल्फोनेशन भी कर सकते थे। कैसे करते? आप सिर्फ H2SO4 लेते तो क्या बन जाता? HSO3 प्लस केटायन बनता, और जब ऐसा होता तो आपका सल्फोनेशन हो जाता। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और OH। यस और नो? हाँ, सभी रिवर्सिबल है भाई। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? एक तरह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, बैकवर्ड में जाएंगे हाइड्रेशन हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर डाइल्यूट हुआ उल्टा भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। बोलो यस और नो? तो हीटिंग करते रहना थोड़ी थोड़ी। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया नाइट्रेशन का। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि बेंजीन के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप आ जाए, भाई कैसा आ जाए, जो प्लस हेमो, फिर तो रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाएगी कि डाइल्यूट HNO3 से भी काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? डाइल्यूट से भी काम जाएगा, लेकिन फिर क्या होना चाहिए? कोई प्लस हेम ग्रुप होना चाहिए। बोलो यस और नो? तो ऐसा हम बात कर सकते हैं कि क्या चीज रहेगी। तो मैंने अगर यहां पर ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के बाद, अगर आपने यहां पर OH लगा दिया और डाइल्यूट HNO3 रखा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि प्लस एम कर देगा। NO2 यहां पर भी आ सकता है, OH NO2 यहां पर भी आएगा, सही है, दोनों तरफ आ सकता है, नाइट्रेशन हो जाएगा। कौन मेजर होगा? ऑर्थो वाला, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। पक्का? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर आपने यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपको पिक्रिक एसिड ही दिखेगा। आ गई बात समझ में? पकड़ लो, लिखो सब।